चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जनपद में जिला मुख्यालय रुद्रपुर से 43 किलोमीटर पूर्व में बसा जनपद की 9 तहसीलों में एक औद्योगिक नगरी सितारगंज, पश्चिम में रुद्रपुर अथवा दक्षिण में बरेली की ओर से सितारगंज पहुंचने पर सर्वप्रथम एक मुख्य चौराहा अमरिया चौराहा दिखाई पड़ता है, जहां से उत्तर में मुख्य सड़क सितारगंज शहर के मुख्य भाग में प्रवेश करती है एवं उत्तर पूर्व में जाने वाली सड़क खटीमा बाईपास के रूप में बिजटी चौराहा इत्यादि होकर खटीमा की ओर निकल जाती है। सितारगंज में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क को किच्छा रोड के रूप में पहचाना जाता है। डिवाइडर युक्त सुंदर सड़क पर अनेकों राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं एवं प्रतिष्ठान स्थित हैं। सितारगंज में वर्तमान में 53,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से ऊधमसिंह नगर जनपद का 6ठा एवं उत्तराखंड राज्य का 16वां सबसे बड़ा शहर है। सितारगंज 1801 में अंग्रेजों के हाथों में आया। 1839 में इसे बरेली जिले में सम्मिलित किया गया। 1865 में तराई जनपद स्थापित होने पर यह तराई जिले में जोड़ा गया, जिसका मुख्यालय काशीपुर था। उस समय सितारगंज किच्छा तहसील का भाग था। 1891 में तत्कालीन कुमाऊं जिले की नैनीताल तहसील को काटकर तराई जिले में सम्मिलित करके जिले का मुख्यालय एवं नाम नैनीताल कर दिया गया। किच्छा रोड उत्तर की ओर बढ़ते हुए शहर के सबसे मुख्य चौराहे पर पहुंचता है। मुख्य चौराहा सितारगंज शहर का केंद्र बिंदु है। इसी चौराहे के निकट रामलीला मैदान स्थित है। उत्तर की ओर जेल कैंप रोड पर कोतवाली सितारगंज का प्रशासनिक भवन स्थित है। चौराहे से पश्चिम की ओर सड़क गुरुद्वारा रोड एवं पूर्व की सड़क खटीमा रोड के रूप में पहचानी जाती है। खटीमा रोड सितारगंज शहर का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। यहाँ दोनों ओर कतारबद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। सितारगंज में आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। सितारगंज को लगभग 1965 में तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ। 1994 में नैनीताल जिले की 4 तहसीलों काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा को जोड़कर ऊधमसिंह नगर जिले की स्थापना की गई। खटीमा रोड बिजटी मोड़, मेनका सिनेमा इत्यादि से होते हुए खटीमा बाईपास चौराहे पर पहुंचता है, जहां से पश्चिम में खटीमा रोड, उत्तर में हल्द्वानी रोड एवं दक्षिण की सड़क बिजटी चौराहे की ओर प्रस्थान कर जाती है। बिजटी चौराहे पर यह सड़क खटीमा के नए बाईपास को क्रॉस करके दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश के मझोला की ओर निकल जाती है। सितारगंज में मुख्य चौराहे से उत्तर में जाने वाली जेल कैंप रोड भी मुख्य सड़कों में एक है। इस मार्ग पर भी अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान विकसित हो चुके हैं। जेल कैंप मार्ग पर ही कोतवाली स्थित है। पूर्व समय में इसी मार्ग पर तहसील संचालित होती थी, जो अब अमरिया चौराहे स्थित नई मंडी में स्थानांतरित कर दी गई है। सितारगंज में पूर्व समय में एक सिनेमाघर मेनका टाकीज भी संचालित होता था, जो दर्शकों की कमी के चलते लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। जेल कैंप रोड उत्तर की ओर लगभग 1 किलोमीटर सफर तय करके हल्द्वानी रोड में मिलकर सिडकुल, औद्योगिक क्षेत्र, संपूर्णानंद, सेंट्रल जेल इत्यादि से होते हुए हल्द्वानी की ओर निकल जाता है। सितारगंज आना, इसे कैमरे में कैद करना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सितारगंज पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो सितारगंज एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।